महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 288 सीटों के लिए मंगलवार को महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। करीब 4 घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली और बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। बुधवार को प्रेस वार्ता करके सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमवीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है। इसमें कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100 और एनसीपी शरद गुट 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले सोमवार को शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि एमवीए में 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर सहमति भी बन गई है। समाजवादी पार्टी यानी कि सपा ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 अक्टूबर को धुले विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एमवीए से 12 सीटें मांगी हैं और सीटों की डिटेल्स भी उन्हें भेज दी गई है। महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास अघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए लेट हो गई कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर, हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझ कर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा। काम कल रात को लगभग पूरा हो गया है और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है।